एम्बियंस वाली फीलिंग, जैसे मैं आपको बोलता था कि बर्गर्स वगैरह तो मील्स कॉम्बो वगैरह जो ऑफर वगैरह चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है एनवाई सिनेमास का, ये देखिएगा नाउ ओपन। जब शाम के टाइम ये रात के टाइम लगता होगा ना, और ज्यादा एम्बियंस, लाइटिंग कूल, एकदम बहुत बड़ा प्रीमियम क्लास के साथ आप कंफर्ट फील करके आप अपनी मूवीज वगैरह सारा टोटली देखेंगे, तो हर एक चीज जो है ना भाई, हर आप इसको पूरे मॉल को भी हम एक्सप्लोर भी करेंगे। खूबसूरत सर ना ये वाटरफॉल जो झरना जो बह रहा है ना, इस देखना भाई इसका, इस कमाल का एम्बियंस है यार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारा फिर से एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज आपको लेके आऊंगा गुड़गांव के सेक्टर 17 में एलन एपिक मॉल आपको दिखाने के लिए। जैसे आप ठीक मेरे पीछे देख भी पा रहे गाइस, ये दिल्ली एनसीआर का सबसे लग्जरियस मॉल माना जाता है, और अभी हम अंदर चल के इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे। और यहाँ पर हमारे सुपरस्टार अजय देवगन जी ने अपना एनवाई सिनेमाज ओपन करा है आज, उसे भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एनवाई सिनेमा बेसिकली उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे ये सिनेमा किया है। तो यहाँ की आज पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ, कब यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकती है, इससे सारी डिटेल, मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का क्या होने वाला है, तो सारी डिटेल आपको मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो गाइस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर, ताकि ऐसे नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं लेकर आता रहता हूँ। तो चलते हैं आज इस एलन एपिक लग्जरियस मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। गाइज ये रहा आपके सामने बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग्जरियस मॉल में से एक पूरे दिल्ली एंस का एलन एपिक मॉल, और वहाँ पर देख सकते हैं एन वाई सिनेमा जो कि अजय देवगन जी ने ओपन कराया इसके अंदर, अभी वहाँ पर भी आपको अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। और यहाँ की जो लोकेशन गाइज वो आपके गुड़गांव की सेक्टर 70 होने वाली है, यानी कि 70। और यहाँ के जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको गाइज मैं बता देता हूँ, हुड्डा सिटी सेंटर से आप यहाँ से आ सकते हैं, जो कि लगभग जो उसकी जो जो डिस्टेंस होने वाला है 8 से 10 किलोमीटर का। तो आप अपना ऑटो वगैरह और अपना टू व्हीलर या फुल से आते हैं, उसका वॉकिंग डिस्टेंस इतना होने वाला है। सेक्टर 55 और 56 रैपिड मेट्रो स्टेशन से भी आप लोग गाइस यहाँ तक आ सकते हैं। गाइस ये मॉल के बाहर का जो लुक्स है ना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है यार सच में, मतलब सब पूरा लग्जरी लग रहा है। और ये देखिए ऊपर जो सबसे बड़ी प्यारी सी जो LED वगैरह चल रही है ना, ये देखिएगा एनवाई सिनेमा का आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखता है। और अंदर कौन कौन से यहाँ पर मॉल्स वगैरह हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखेंगे, उनका ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है एनवाई सिनेमास का, ये देखिएगा नाउ ओपन। तो आप बाहर से इसका नज़ारा देखते हैं, अभी म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था, उससे भी थोड़ा सा बहुत ही अलग ही वाइब और अलग ही फीलिंग्स आ रही है गाइस। गाइज़ ये है मॉल का मेन एंट्रेंस और मेन फ्रंट, आप जैसा टिकट आप देख भी करोगे बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है। और सबसे खास चीज़ आप ये देखिएगा, म्यूज़िक तो चल ही रहा है, वाइब्स भी अलग आ रही है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज़ यहाँ पर ये देखिएगा, जो फाउंटेन है यहाँ पर ये देखिएगा, जो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा भाई इस मॉल को ना इसकी खूबसूरती को भाई चांद चांद लगाने वाला जो एंट्रेंस है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है यार। और आप सारा टोटली देख सकते हो, हर एक चीज़ जो है ना भाई, हर एक आपकी लग्जरियस अलग से एक वाइब आने वाली है, अलग से एक फील आने वाला है। तो भाई आप यहाँ पर फोटोशूट रील्स वगैरह भैया और कुछ करा सकते हो, लाइटिंग वगैरह भी जल रही है आप देख सकते हो यहाँ पर। शाम के टाइम तो ये मॉल और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता ही लग गया होगा, इसका जो एम्बियंस है ना गाइस, अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ, उसका एम्बियंस भी बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत है, ये देखिएगा। चार तरफ से आपको मैं मॉल का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखा देता हूँ। आप अपने फोर व्हीलर से आ रहे तो अपनी पार्किंग वगैरह भी हम लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है। बेसमेंट भी पार्किंग है आपको, वो भी आपको चीज़ अभी आपको मैं दिखा दूंगा। गाइस इस मॉल के अंदर आती है ना, आप ये देख सकते हो कि इसका एंट्रेंस इतना प्यारा और इतना खूबसूरत हो सकता है, और इतना मतलब पीसफुल वाइब जो यहाँ पर एक अलग ही उसका मजा ही आ रहा भाई। इतना प्यारा सा फाउंटेन, वो भी कलर वाइज, जब शाम के टाइम या रात के टाइम लगता होगा ना, और ज़्यादा खूबसूरती इस मॉल की बढ़ जाती होगी। अभी आपको अंदर भी लेके चलूंगा, लेकिन आप इसके एंट्रेंस की वाइब देख लो, बहुत ही पीसफुल लग्जरियस है। स्टार्टिंग में भी अंदर हो तो पता नहीं क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो भैया मुझसे तो अभी बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, तो अब आपको लेके अंदर लेके चल ही लेता हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आपको। गाइस चलते हैं अभी मॉल के अंदर, और ये देखिएगा नज़ारा, लुक सैलून ओपनिंग सून बहुत ही जल्दी, यहाँ पर लुक सैलून जो है आउटलेट है वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो भी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, और कुछ ब्रांड्स अभी आना बाकी हैं। और ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हो, ये देखिएगा एन वाई सिनेमा का यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह होता होगा, जो कि ऑलरेडी ओपन है नाउ सिनेमास एन वाई सिनेमास। तो भाई ये सामने देख सकते हो भैया, मॉल के अंदर आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ब्लू है पानी पानी, और बाकी में वो देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा खूबसूरत स्विमिंग पूल है भाई, देख रहे हो आप मॉल के अंदर स्विमिंग पूल बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, ये देखिएगा आप।
अब भाई लग्जरी वाली वाइब्स ना आए तो फिर क्या आए दोस्तों, ये देखिएगा। और आप ये चारों तरफ का मॉल का नज़ारा एलन एपिक मॉल का देख सकते हैं आप, ये देखिएगा बहुत खूबसूरत ब्रिलियंट और एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा आप सभी को। तो अगर आप लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए ना गाइस, तो आ जाओ जरा एक बार यहाँ पर ना अपने फैमिली फ्रेंड्स और बच्चों के साथ एक बार ज़बरदस्त। अभी जो मैं गाइस अभी हूँ वो है ग्राउंड फ्लोर में ही, और जो कि ग्राउंड फ्लोर में आपको ये स्विमिंग पूल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा खूबसूरत से इसको डेकोरेट वगैरह भी किया हुआ। ग्राउंड फ्लोर में कौन कौन से अभी रेस्टोरेंट्स अभी ओपन हो चुके हैं या अभी होने वाला है, तो यहाँ पे आप देखिए मॉइट्स जो कि ओपनिंग सून है यहाँ पर अभी, वो भी बहुत जल्दी वो भी ओपन होने वाला है। वैसे काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट्स आउटलेट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगी, वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा वो देख सकते हो, जो झरना जो बह रहा है ना भाई, बड़ा ही क्लासिक लग रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको मैं थोड़ा सा डेकोरेशन दिखा देता हूँ यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन करा के गई है वो भी स्विमिंग पूल के अंदर, ये देखिएगा। और वहाँ पर सामने वो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, अभी थोड़ा सा उसको अपने नज़दीक आपको लेके चलता हूँ, अभी बहुत अच्छे से इसको पूरे मॉल को भी हम एक्सप्लोर भी करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे ही बहुत ही प्यारा खूबसूरत से यहाँ पर स्टैचूज वगैरह आप देख सकते हो, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ही जो स्टैचू वगैरह जो लगाया गया ना, आपको बता दूँ जैसे दिवाली नज़दीक और आ रही है तो यहाँ पर एक आप ये देखिएगा एलन फेस्टिव क्लो चल रहा है यहाँ पर, जो कि 25 से 3 नवंबर तक रहेगा। लाइव म्यूजिक, बॉलीवुड डांस, मैस्कॉट्स, जो कि शाम के 5 बजे से ये फेस्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटोशूट्स, रील्स, बहुत कुछ मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा फन कर सकते हो। और ये जो एरिया है ना गाइस, यहाँ पर ये देखिएगा बहुत ही प्यारा सिटिंग एरिया वगैरह बना रखा है, ये देखिएगा। तो जहाँ पर आपकी लाइटिंग वगैरह चलती हुई आपको दिख रही होगी, ये आपका टोटली सिटिंग एरिया, तो आप अपना यहाँ पर अपना अच्छे खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ। और ये जो पीछे जो आप स्विमिंग पूल वगैरह आप देख रहे हो ना गाइस, उसके पीछे ही आप ये देखिएगा बहुत ही प्यारा खूबसूरत एक झरना बह रहा है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से आप इंजॉय वगैरह कर सकते हो। तो ये देखिएगा इसका नज़ारा आप, ये देखिएगा बिल्कुल वाओ, एक बिल्कुल वाओ वाली फीलिंग आ रही है, आप ये देखिएगा। गाइस अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और आप ठीक मेरे पीछे देख भी रहोगे, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है भाई, ब्लू है पानी, पानी वाली जो फीलिंग है, वो जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हो ना, ये ग्राउंड फ्लोर पे जो सिटिंग एरिया है उसका एक अलग ही मजा है, अलग ही क्लास है भाई। और उसके ठीक पीछे आप देखोगे प्यारा खूबसूरत सा ना ये वाटरफॉल, जो झरना जो बह रहा है ना, इससे आपके रील्स फोटोशूट वगैरह में मतलब चार चांद लग जाते हैं भाई यहाँ पर आगे ना। तो ये जो मॉल का जो भी एम्बियंस अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है, अभी तो पता नहीं अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी चलेंगे, एनवाई सिनेमाज में भी चलेंगे, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बट ये जो एरिया है ना, मुझे अभी तक का क्लास लगा जब मैंने एंट्री करी है। तो एक बार आप लोग भी यहाँ पर अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड भी जरूर कर सकते हैं। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर, ये इसका बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर पार्किंग के लिए आप लोग यहाँ पर अपना आ सकते हो। और उसके ठीक बैकवर्ड एरिया में आप ये देखिए भाई, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है यहाँ पर वॉल के वाटरफॉल होता हुआ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। आप यहाँ अपना बैठ के ना अपना आराम से बहुत ही प्यारी फोटोग्राफ्स, रील्स वगैरह आप लोग बना सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैं अभी पार्किंग में लेके आ चुका हूँ यहाँ पर मैं, और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने टू व्हीलर, फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो पार्किंग यहाँ की बिल्कुल ही फ्री होने वाली है, बिल्कुल ही जीरो अमाउंट के साथ, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अगर आपके पास फोर व्हीलर है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, अगर आपके पास जो कि बैटरी वगैरह से चलती है, तो ईवी चार्जिंग का यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन वगैरह भी दे रखा है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को भी अपना चार्ज वगैरह कर सकते हो। गाइज अब मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इस तरह का जो नज़ारा जो ग्राउंड फ्लोर का जो देखने वाला होता है ना, पूरा का पूरा मॉल यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। बट अभी काफ़ी सारे जो यहाँ पर भी आउटलेट्स वगैरह भी खुलने हैं अभी वहाँ पर बाकी हैं, ओपनिंग सून है, जैसे आप ठीक सामने देख पा रहे हो पंजाब ऑप्टिकल हाउस ओपनिंग सून। तो अभी बहुत सारे यहाँ पर अभी शोरूम्स, आउटलेट्स वगैरह काफ़ी सारी कंपनी यहाँ पर आप आने वाली है। तो ये अभी फर्स्ट फ्लोर है, सामने सेकंड फ्लोर है, और वहाँ पर वो देखिएगा मिस्ट्री रूम्स 2.0, तो वहाँ पर मैं भी शायद गेमिंग ऑप्शन रहने वाला है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एलन एपिक। और गाइज आप लोगों को यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे ना होम स्टॉप आपको एक आउटलेट वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पर होम डेकोरेशन के लिए आप लोग यहाँ पर अपना घर का इंटीरियर वगैरह के लिए बहुत बढ़िया खूबसूरत सा सामान वगैरह आप ले सकते हो। सो फाइनली गाइज अब आप लोगों को मैं आ चुका हूँ भाई एन वाई सिनेमाज में आप लोगों को लेके, और ये रहा इसका एंट्रेंस, और ये रहा एन वाई सिनेमा का लोगो, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अजय देवगन ने अपने सन से यानी कि अपने बच्चों के नाम पर रखा हुआ एन वाई सिनेमा, एन फॉर नायसा, वाई फॉर युग देवगन, एन वाई सिनेमाज। तो ये इसका एंट्रेंस है, और बहुत ही प्यारा इसका एम्बियंस है,
ये देखिएगा, तो एंट्रेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही बड़ा कूल आपको एक लुक देने वाला है। यहाँ पर जैसे कि आपको बताइए कि एक मूवी वगैरह आ गई तो उसकी क्वालिटी यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सा पोस्टर वगैरह लगा। तो गाइज यहाँ पर ये जो एम्बियंस वगैरह आप देख रहे हो ना, तो मैं अभी आ चुका हूँ एनवाइज आपको सिनेमाज में लेके। कितना प्यारा एंड कूल, बहुत ही एम्बियंस वाली फीलिंग, जैसे मैं आपको बोलता था लग्जरी, मतलब आउट ऑफ लग्जरी से भी भाई बहुत ज़्यादा मुझे ऊपर लग रहा है। अभी तक का शायद आप लोगों ने ऐसा एम्बियंस अभी शायद कहीं देखा नहीं हो। अजय देवगन जी का जो सिनेमा है एनवाई सिनेमा का, आप सामने आप एक बार लोगो वगैरह आप देख सकते हो, और देन उसके बाद आप मॉकटेल्स वगैरह भी आओ लुक हो ना, तो यहाँ पर आपको खाने पीने को आपको सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे, पॉपकॉर्न से लेके आपके बर्गर से लेके पेप्सी से लेके। और ये जो सिटिंग एरिया आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, तो यहाँ पर अपना एक वेटिंग एरिया भी उसको आप बोल सकते हो। जब तक आपकी मूवी स्टार्ट नहीं होती है तब तक आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और बच्चों के साथ अपना अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड यहाँ पर करने वाले हो। अभी आपको मैं अंदर भी लेके चलूंगा, यहाँ पर जो भी स्क्रीन वगैरह भी है आपको सारी चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ये देखेगा, बहुत ही प्यारे जो आने वाली जो नेक्स्ट मूवीज वगैरह भी हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको उसका इसका प्लेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। आइए अब आपको रिसेप्शन पर यानी कि बॉक्स ऑफिस में लेके चलता हूँ। और ये है दोस्तों उसका बॉक्स ऑफिस, जो कि यहाँ के जो जगह को ना बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही क्लास है। ऐसा आपने रिसेप्शन बॉक्स ऑफिस अभी तो शायद किसी सिनेमा घर वगैरह में आपने देखा नहीं होगा। तो आप लोगों की कौन कौन सी यहाँ पर मूवीज वगैरह भी देखना चाहते हो ना, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे LEDs वगैरह भी लगाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो NY सिनेमा कौन कौन सी सिस्टम मूवीज वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर सारा आपका देखा हो कौन सी किसकी क्या टाइमिंग होने वाली है, क्या टिकट वगैरह वैसी होने वाला, तो सब कुछ यहाँ पर आप अपने मैम से एक बार सारी चीज़ें पूछ सकते हो। आइए अब आप आपको लेके अंदर लेके चल रहा हूँ। के अंदर आने के बाद ना अब आपको जो सीन हॉल के अंदर आपको लेके आ चुका हूँ, जहाँ पर आप अपना वेटिंग एरिया जैसे आप लोगों वहाँ पर बहुत सकता है। एम्बियंस एक बार आप देखिएगा, लाइटिंग वगैरह आप देख सकते पूरे, और यहाँ पर बहुत ही प्यारे खूबसूरत यहाँ पर आप सॉफ्ट वगैरह भी जो लगाए हुए हैं। तो बेसिकली आपकी जब तक मूवी स्टार्ट होने वाली है उसके लिए जब हम वेट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है तो ये जो लॉन्च एरिया ना बहुत कमाल का होने वाला है यार। एम्बियंस, लाइटिंग, पूल एकदम बहुत बड़ा अंदर सर। एक सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, आप लोग यहाँ पर बोर ना हो तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक LCD वगैरह लगाई हुई है, जहाँ पर आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी चलती है, तो जिससे कि आपका अच्छा खासा यहाँ पर टाइम स्पेंड होगा जब तक आप लोग की मूवी स्टार्ट नहीं हो जाती। तो अब आइए थोड़ा सा भी और आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा स्नैक बार है, जहाँ पर अपनी मील्स वगैरह को भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह भी मिल जाएंगे इसे स्नैक्स बार के में, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों को, जैसे कि पॉपकॉर्न हो गया, आपके बर्गर्स वगैरह, तो मील्स कॉम्बो वगैरह जो ऑफर वगैरह चलते रहते हैं तो यहाँ पर आप लेते हैं। तो ये जो खूबसूरत से आपको मैं गैलरी में यहाँ पर आपको लेके आ चुका हूँ, दिखाता हूँ उसको गैलरी का आपको यहाँ पर एक प्यारा सा नमूना आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा सामने बहुत ही प्यारा खूबसूरत से यहाँ पर जो गैलरी है ना, एक बहुत ही बड़े बड़े कलाकारों की यहाँ पर बहुत ही पिक्स वगैरह लगा रखे हैं, फोटो वगैरह लगा रखे हैं, जहाँ पर अच्छा खासा फोटो शूट रील्स वगैरह भी आप लोग बना सकते हो, फैमिली के साथ बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिएगा बहुत ही प्यारे खूबसूरत चेयर सोफे वगैरह लगा रखे हैं, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत गैलरी यहाँ पर देखिएगा, फैमिलीज वगैरह भी आ गए अपने बच्चों वगैरह को साथ ले। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 5 स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को ना भाई मैं बहुत ही क्लास और प्रीमियम यानी कि जैसे गोल्ड क्लास में आप लोग बोल सकते हो, उसका मैं आपको स्क्रीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि जो कि टोटली रिक्लाइनर पूरी यहाँ पर जो सीट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं वो दिखा दूँगा। यहाँ पर एक पैक देखिए बहुत ही कलरफुल प्यारा सा, यहाँ पर आप देखिएगा सभी कलाकारों के बड़े बड़े कलाकारों से आपके कार्टूनिस्टिक पिक्स वगैरह लगे हुए वॉलपेपर थ्रू, जो यहाँ पर अपनी फोटोशूट वगैरह रील्स वगैरह बनाने में बहुत ही लाजवाब आने वाली है। NY अमोर, जैसे हम प्रीमियम क्लासेस वगैरह बोल सकते हैं, गोल्ड क्लासेस बोल सकते हैं, जो कि हाई क्लासेस वगैरह में भी है, तो अभी आपको मैं उसी का ही स्क्रीन वन आपको मैं दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो ये उसकी एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस आप देखिएगा बहुत ही क्लासिक लुक देखने वाले यहाँ पर, यह देखिएगा। तो अभी स्क्रीन वन वगैरह भी चलेंगे और दिखाते हैं यहाँ की सीट्स वगैरह। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्क्रीन वन में, जो कि इसको प्रीमियम क्लास यानी कि गोल्डन क्लास भी आप लोग उसको बोल सकते हो, जहाँ पर आपको रिक्लाइनर वाली जो सीट्स वगैरह जो अवेलेबल है वो सारी आपको मैं अंदर चल के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बात करें यहाँ की जो टिकट्स अवेलेबल की, और मैं बता देता हूँ ये भी डिपेंड ऑन मूवी पर डिपेंड करता है, कि जैसे आपको पता है कि ब्लॉकबस्टर वगैरह जो मूवी होती है वो कहीं ना कहीं 1100 रुपये 1200 रुपये भी टिकट्स वगैरह भी चली जाती हैं, बट बेसिकली आपको मैं बताऊँ तो जो टिकट होने वाले कई मिनिमम जो प्राइस वगैरह 500 रुपये का जो टिकट है वो कि स्क्रीन वन, जिसका जो नाम दिया गया NY अमोर, आप चाहे इसको गोल्डन भी बोल सकते हो, प्रीमियम क्लासेस वगैरह में भी आप बोल सकते हो, तो ये ही वो स्क्रीन वाला एरिया है। आप देखोगे भाई यहीं से भी आपको मैं अंदर भी लेके चलूँगा, उसकी जो सीट्स वगैरह जो भी है ना बड़ा ही क्लास वगैरह लुक देते हैं ना भाई उसकी, वो भी सारी चीज़ें आपको मैं अंदर चेकआउट करके बताऊँगा।
अभी आपको मैं फाइनल लेके आ चुका हूँ भैया NY Amour के अंदर, जिसको अभी आपको मैंने बोला गोल्डन या प्रीमियम क्लासेस, आप इसको जज कर सकते हो। और इसकी जो खास चीज़ आप पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ का जो व्यू आप देख सकते हो पूरा पूरा कंप्लीट, आपको जो व्यूज आपको देखने को मिलेगा बहुत ही प्यारी लग्जरियस लॉन्च। और आपके की जो सीट है ना बड़ी कमाल की है यार, यहाँ पर बहुत कुछ मतलब आपको अलग कहते हैं ना, इसका जो एटमोसफेयर है और जो यहाँ की जो एम्बियंस है उसको बड़े ही अलग बना रहा है और अलावा कभी किसी और सिनेमास के अलावा। और सबसे जो खासियत चीज़ है इसकी आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये इसकी जो सीट है बड़ी ही कंफर्टेबल सीट है। अभी इसके फीचर्स वगैरह भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर अभी आपको, तो ये देखिएगा पहले चीज़ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है कि आप अपना कुछ सामान ले, जो भी आप कुछ खाने पीने का आप पहले तो यहाँ पर रख सकते हैं बड़े आराम से। तो हर आपको चीज़ें दी गई हैं, आप अपनी वाटर बॉटल या पेप्सी वगैरह भी आप लोग यहाँ पर अपना रख सकते हैं। और बहुत ही प्रीमियम क्लास के साथ आप कंफर्टेबल फील करके आप अपनी मूवीज़ वगैरह का सामने यहाँ पर आप इन्जॉय कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आइए थोड़ा सा आपको मैं नज़दीक लेके जाता हूँ, कुछ इसके जो फीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह भी दिए हुए हैं, USB के लिए पोर्ट वगैरह दिया हो कि आप अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कराना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आइए आप थोड़ा सा इस फीचर्स को जान लेते हैं। अब जैसे कि ये जो फीचर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए आप ठीक मेरे पीछे, आप अपने हेड को कितना कम्फर्ट जोन पर आप रख सकते हैं, तो उस हिसाब से ये आपका बैक फॉरवर्ड और आगे पीछे आप इसको दोनों तरह से आप अपने उसको बना सकते हैं। दूसरा अब ये देखिएगा मूवीज़ को थोड़ा सा आराम देने के लिए, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप उसको लेट के देखना चाहते हैं तसल्ली से, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इस सीट को आप आगे और पीछे कर सकते हैं जिस तरह से अभी मूव हो रही है सीट, ये देखिएगा। थर्ड वन अब आप ये देखिएगा आप अपने लेग्स को कितना आराम देना चाहते हैं यहाँ पर मूवी देखते टाइम पे, और उस हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे जैसा आपको ठीक लगे, और उस हिसाब से कंफर्ट जोन में आके मैं पूरा लेट के अपना आराम से तसल्ली से अपनी मूवीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं आपको इन्जॉय करने वाला हूँ। सामने आपको मैं फ्रंट दिखा देता हूँ कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखिएगा सिनेमा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये देखिएगा, जो कि इसके प्रीमियम क्लास को ना बहुत ज़्यादा लग्जीरियस वगैरह बना देता है। और एम्बियंस और इस उसको Amour को ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है। तो ये कुछ फीचर्स थे यहाँ पर इसके, ये देखिएगा भाई अब तक का ये वर्ल्ड क्लास मेरे को भी लगा ये, जो कि आरामदायक है, बहुत ही लाजवाब क्लासिक है। आपको ये कैसा लग रहा है देख के ना, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करो जरूर बताना। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे मेरे पे पहली बार आओ चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहे। फिर आपको किसी ने आपको नई लोकेशन पर आपको लेके चलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय हिंद।